राजनीति में ऊंची पहन रखने वाले भाजपा विचारधारा से जुड़े महेंद्रनाथ सोफत राजनीति में फिर सक्रिय हो गए हैं, जिसकी वजह से जहां भाजपा नेताओं की नींद उड़ना शुरू हो गई है, वहीं भाजपा में वापसी भी लगभग उनकी तय मानी जा रही है। महेंद्रनाथ सोफत ने सोलन में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान कहा कि सोलन का क्षेत्रीय अस्पताल करीब 58 वर्ष पहले 7000 की आबादी के लिए बनाया गया था। तब ना तो सोलन में आबादी थी और ना ही पार्किंग की समस्या, लेकिन अब सोलन की आबादी 1 लाख तक पहुंच गई है और अस्पताल में रोगियों के लिए एक भी गाड़ी खड़ी करने की व्यवस्था नहीं है। यही नहीं, आपातकाल में एम्बुलेंस को जाम का सामना करना पड़ता है और रोगी एम्बुलेंस में तड़पता रहता है, इसलिए इस अस्पताल को खुले में शिफ्ट करने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ राजनीतिज्ञ अपनी व्यक्तिगत लाभ के लिए अस्पताल को यहाँ से शिफ्ट नहीं करना देना चाहते हैं, जो सोलन की जनता को स्वीकार्य नहीं है। इसलिए शहरवासियों ने ये फैसला किया है कि अगर अस्पताल प्रशासन राजनीतिक दबाव में आकर अपना फैसला नहीं बदलता है तो शहर की जनता उग्र आंदोलन करेगी और किसी भी सूरत में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र में अस्पताल का विस्तारीकरण नहीं होने देगी। हैरानी की बात है कि भाजपा प्रतिनिधि, कांग्रेस विधायक और आम जनता अस्पताल को शहर के अंदर से बाहर शिफ्ट करवाना चाहते हैं और वे इसकी मांग को भी समय समय पर करते आए हैं, लेकिन ना जाने क्यों फिर भी अस्पताल प्रशासन इस अस्पताल को यहां से शिफ्ट करवाने के पक्ष में नजर नहीं आ रहा है, जिससे लगता है कि राजनीतिक पर प्रशासन लगातार हावी हो रहा है और वे जनप्रतिनिधियों और आम जनता की मांग को दरकिनार कर रहा है। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा जो किसी शहर का विस्तारीकरण हो रहा है, मैं आपको बता दूं, वो सोलन है। और हमारी जानकारी के मुताबिक कुछ लोगों के अपने हित हैं, इसके कारण वो वहां से अस्पताल को शिफ्ट नहीं होने देना चाहते, जिसका कि हम विरोध करते हैं और हम सरकार से मांग करते हैं कि ये खुली जगह पर बड़ा अस्पताल, बड़े शहर के मुताबिक, बड़े इलाके के मुताबिक, 2 जिलों का अस्पताल है उसके मुताबिक यहाँ बनना चाहिए। आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं उसके मुताबिक आने वाले 50 वर्षों की योजना होनी चाहिए। 50 बीघे से लेकर 100 बीघे तक जगह अक्वायर करे सरकार, वहां पर हॉस्पिटल बनाए जहां कल को विस्तारीकरण किया जा सके, ट्रॉमा सेंटर भी वहां खुल सके और भी जितने भी विभाग है, आपातकालीन विभाग हो। हमने अपना निवेदन दिया है सरकार को, वैसे तो हमें उम्मीद है सरकार उसमें सहानुभूतिपूर्ण गौर करेगी। अगर नहीं करेगी, हम इसके लिए जन जागरण करेंगे, लोगों को साथ जोड़ेंगे और सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे कि ये पैसे खुली जगह पे खर्च हो।